जोर जोर से उच्चारण करके मेरी सच्चरित्र को पढ़ो, अपने घर में या अपने कमरे में बैठकर, पर उसे उच्चारण करो, उस शब्द को आसपास के वातावरण में फैलने दो, फिर देखना कैसी शक्ति होगी। तुम अपने घर को नकारात्मक से सकारात्मक बनाने के लिए ये जो अनेक प्रयोग कर रहे हो ना, जिसके कारण भटक रहे हो, परेशान हो रहे हो, इसे करना बंद कर दो और सिर्फ मेरी सच्चरित्र का पाठ करना शुरू करो। धीमे स्वर से शुरू करो और धीरे धीरे थोड़ी तेज ध्वनि में उसका पाठ करो, हो सके तो सुबह शाम करो और फिर देखो कैसे सब बदलेगा। घर पर समस्या जितनी बड़ी है नहीं ना, उससे ज़्यादा प्रतीत सी हो रही है। और तुम जिन लोगों से डरते हो, क्योंकि वो लोग बुरे हैं, अगर सच कहूँ ना तो वो लोग भी तुमसे डरते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वो चाहकर भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं पा रहे, तुम्हारे काम होते ही जा रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी रुक नहीं पा रही, क्योंकि तुम्हारे साथ दैवीय शक्ति है, तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबा की शक्ति है। तो इसलिए ना तुम डरो मत, मेरा पाठ करना शुरू करो, देखो तुम्हारे घर परिवार में सबका मन बदलना शुरू हो जाएगा, सब सकारात्मक मार्ग पर चलना शुरू करेंगे। एक बात मालूम है, यदि तुम बहुत लोगों से बातें करना शुरू करोगे तो ये वास्तविक है कि एक समय के बाद जब कुछ भी बात करने के लिए नहीं बचेगा तो हो सकता है कि किसी की बुराई का बात किया जाए। तो उन सब में अपना समय मत खर्च किया करो, उससे बेहतर है कि तुम पढ़ो, उससे बेहतर है कि तुम मेरी सच्चरित्र का पाठ करो, मेरी चालीसा पढ़ो, बार बार पढ़ो और मेरी सच्चरित्र का जो वाक्य, जो कथन तुम्हें बहुत पसंद आए ना, तुम उसे हर दिन दोहराओ, वो तुम्हारे लिए प्रसाद स्वरूप निकलकर तुम्हारी जिंदगी में आएगा। यकीन मानो, अपना समय कहीं बर्बाद मत करो, अपने कर्म करो और उसके बाद बाकी का सारा समय मेरी सच्चरित्र को दे दो। याद रखना, तुम मुझे जो भी दोगे ना, वो सब मैं तुम्हें लौटाऊंगा और आशीर्वाद के रूप में लौटाऊंगा। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो।